तो देखिए अभी मैं 2 नंबर पे हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और ये हमारी मेट्रो आ चुकी है द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली, और इससे हम जाएंगे मंडी हाउस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जीतू। तो आज बात कर लेते हैं कि यदि आपको आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार से रेड फोर्ट जाना हो तो आप लोग रेड फोर्ट तक जाओगे कैसे? बाय मेट्रो। तो आज हम सफर करेंगे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन टू रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। कौन सी लाइन से आपको आनंद विहार से रेड फोर्ट के लिए मेट्रो मिलेगी और कहाँ आपको इंटरचेंज करना होगा, इसकी पूरी आपको जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो देखिए ये वाला रास्ता जाएगा हमारा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे। तो चलते हैं आनंद और अंदर की जानकारी देते हैं आपको, टोकन वगैरह कैसे लोगे आप। ठीक है, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सो 25। ये जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है ये आपका दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर बना हुआ है, और हमें यहाँ से मेट्रो लेनी होगी ब्लू लाइन की। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम मेट्रो लेंगे द्वारका सेक्टर 21 की, और द्वारका सेक्टर 21 वाली मेट्रो से मुझे जाना होगा मंडी हाउस, और मंडी हाउस से वापस हमें चेंज करना होगा वायलेट लाइन, और वायलेट लाइन चेंज करके जाना होगा हमें कश्मीरी गेट वाली। वायलेट लाइन होती है जो कि कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह की तरफ चलती है, और वहाँ से हमें मंडी हाउस से वही वाली मेट्रो लेके जाना होगा आपका। रेट देखिए आप लोग, ये ना आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन के अंदर का व्यू है, और सामने ना यहाँ पे मशीन लगी है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे, जिसको ATVM के नाम से भी जानते हैं हम। देखिए यहाँ से हम टिकट लेंगे, आप लोग देखो मेट्रो स्टेशन पर ATVM मशीन जो है उससे टिकट लेते कैसे। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको QR टिकट आ गया, QR टिकट पे टाइप किया भैया, और यहाँ पे इनको जहाँ जाना है इनको जाना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, 4 टिकट लेना है। अब कैसे लेना है? कैश 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 वाले पे टाइप करो। हाँ ये हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना कौन कौन से नोट एक्सेप्ट करेगा ये भी आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ से नोट लगाओगे और आपका टिकट आ जाएगा। यहाँ से ना एंट्री होती है, यहाँ QR कोड को स्कैन करेंगे और आगे एंट्री हो जाएगी। ये आप लोग देखो यहाँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के ना अंदर का व्यू है। ठीक है, अब देखो ये ना कैफेटेरिया है, कुछ यहाँ आपको कुछ खाना पीना हो तो मौज कर सकते हो, खा पी सकते हो। और देखिए हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 द्वारका सेक्टर 21 की ओर। तो द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली गाड़ी हमें मिलेगी 2 नंबर से, और 2 नंबर से देखिए यहाँ पे ना ये बने हुए थे, इस पे ही चल के हमें जाना है 2 तक, और ये है भी ब्लू लाइन पर आपका। तो देखिए 2 नंबर के लिए एंट्री कहाँ से करनी है हमें, ये लिखा है, ये वाला रास्ता जाएगा द्वारका सेक्टर 21 प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो या तो हम लिफ्ट से जा सकते हैं, या फिर ऐसे सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं। तो भैया चल लेते हैं, थोड़ा सुबह का टाइम है, पैरों को आराम देना ज़्यादा। ये देखो आप लोग ना ये प्लेटफॉर्म्स है, और इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं मेट्रो के, और यहाँ देखो स्क्रीन पर चल रहा है कि द्वारका सेक्टर 21 के लिए ना अभी 1 मिनट के अंदर मेट्रो आने वाली है। ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन, 1 मिनट वेट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से मंडी हाउस। तो देखिए अभी मैं 2 नंबर पे हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और ये हमारी मेट्रो आ चुकी है द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली, और इससे हम जाएंगे मंडी हाउस। तो ये देखिए ये दिल्ली मेट्रो का ना ब्लू लाइन की मेट्रो है। अंदर चलते हैं अभी, तो ऐसे कुछ एंट्री होती है, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं ओपन होते हैं और हमारी एंट्री हो जाती है। जो दिल्ली मेट्रो के अंदर का व्यू होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए आप लोग पीछे देख सकते हो, सीट नहीं मिली है तो अभी मैं खड़ा ही हूँ, तो देखते हैं आगे सीट मिल जाएगी हमें। देखिए आप लोग देखिए ये मेट्रो के अंदर ना इस तरीके से ना मैप बना होता है। देखिए ये वाली मेट्रो चलती है आपकी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ये जाती है द्वारका सेक्टर 21 से, और द्वारका सेक्टर 21 के बीच में जो भी इंटरचेंज पड़ते हैं उन सबकी यहाँ पे जानकारी दी है। देखिए बीच में आपका वायलेट लाइन है, येलो लाइन है, ग्रीन लाइन है। ठीक है, ये सारी लाइनें इनके बीच में पड़ती है।
ये आपका मैं मंडी हाउस आ चुका हूँ, मंडी हाउस उतर गया है यहाँ से मेट्रो से। अब यहाँ से मैं रेड फोर्ट जाने के लिए ना प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, वॉयलेट लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमें मेट्रो चेंज करनी होगी, जो कि कश्मीरी गेट के साइड जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक। अब ये देखिए यहाँ से ना हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जाने के लिए रास्ता यहाँ से, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। ये मंडी हाउस का ना प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जहाँ से हमें ना कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो मिलेगी, जो कि हमें रेड फोर्ट तक ले जाएगी। तो अभी मेट्रो आने में ना कम से कम 4 या 5 मिनट का टाइम है, हमें वेट करना होगा 5 मिनट का, उसके बाद मेट्रो मिलेगी हमें रेड फोर्ट के लिए, जो कि कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। तो ये देखो हमारी मेट्रो आ चुकी है 5 मिनट के बाद, ये कश्मीरी गेट की ओर जाती है, और ये कश्मीरी गेट वाली लाइन में ही हमारा पड़ता है लाल किला, और ये दिल्ली मेट्रो का ना वायलेट लाइन है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे रेड फोर्ट में। अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी भीड़ भाड़ है इसमें, देख सकते हो आप लोग। इस वाली में चलते हैं, थोड़ा सा खाली है ये। तो फाइनली जो हमारी यात्रा थी ना आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से लाल किला मेट्रो स्टेशन तक की, वो यात्रा पूरी हो चुकी है। ये देख सकते हो आप लोग, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ हमारी जो यात्रा है आनंद विहार से और लाल किले की, वो समाप्त होती है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिले तभी लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।